नमस्कार, आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो कोनेरु हम्पी जो कि इंडियन ग्रैंड मास्टर है और लेई टिंगजी जो कि चाइनीज प्लेयर है, इन दोनों के बीच वर्ल्ड रैपिड में जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट राउंड हुआ था जिसको कि आर्मागेडन गेम बोलते हैं हम लोग। तो आर्मागेडन जो है वो एक स्पेशल गेम होता है जब जब सभी प्रकार के टाई ब्रेक्स इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि इस टूर्नामेंट में हुआ था कि आफ्टर 12 राउंड्स तीन प्लेयर थे जो इक्वल पॉइंट्स पे थे, लेकिन दो जो टॉप मोस्ट प्लेयर थे टाई ब्रेक के हिसाब से कोनेरु हम्पी और लेई टिंगजी, इनके बीच एक मैच रखा गया बेस्ट ऑफ टू, लेकिन उसमें भी 1-1 स्कोर होने के बाद एक लास्ट गेम रखा गया जिसको कि आर्मागेडन बोलते हैं। उसमें ब्लैक के पास 4 मिनट होते हैं और वाइट के पास 5 मिनट, तो दोनों एडवांटेज अगर देखा जाए तो वाइट के पास है। अगर उसके बावजूद भी ड्रॉ हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो वाइट से खेल रहे उसमें लेई टिंगजी और एक मिनट कम भी है ब्लैक के पास, यानी व्हाइट के पास एक मिनट ज्यादा है, तो दो एडवांटेज होने के बाद अगर फिर भी ड्रॉ हो जाती है तो उसमें ड्रॉ मींस ब्लैक विंस का फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी हालत में व्हाइट को जीतना कंपलसरी होता है, मतलब इस गेम में जो रिजल्ट है वो ड्रॉ कभी नहीं आ सकता है। तो ये फाइनलाइज करने के लिए कि वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा, उसमें ये लास्ट राउंड हुआ था। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ वो e4, e5, Nf3, बिशप c4, Nf6, d3, c6, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कंटिन्यूएशन है अगर हम बिशप्स ओपनिंग की बात करें तो। इस पर्टिकुलर सिस्टम में वाइट बहुत बार नाइट डिले करता है f3 पे खेलने के लिए। तो अभी Nf3 खेला उसने, पहले बिशप c4 खेला था, d3 और फिर Nf3 खेला, जबकि नॉर्मली इटालियन में या फिर स्पेनिश में हम लोग Nf3 पहले निकालते हैं। बिशप e7 खेला यहाँ पे, डेफिनेटली आप नाइट इंटू e5 नहीं मार सकते हो क्योंकि क्वीन a5 आ रहा है और आपका नाइट जो है वो हैंगिंग है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। सो कैसल किया यहाँ पे और कैसलिंग के बाद यहाँ पे d6 खेला जिसमें रुक e1, कैसल, बिशप टू b3, बिशप g4, c3। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेटअप लग रहा है वो पूरा स्पेनिश के हिसाब से ही लग रहा है या रॉयल ओपेस के हिसाब से ही लग रहा है। और यहाँ पर नाइट bd7 खेला ब्लैक ने, नाइट bd2, नाइट c5। अभी आप देख सकते हैं कि d3 पे अटैक है और बिशप को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए विदाउट एनी सॉलिड रीजन इस नाइट से। तो बिशप c2 खेला यहाँ पे और बिशप c2 के बाद नाइट fd7 खेला। अभी आप देख सकते हैं इस कंडीशन में कि जैसे ही नाइट fd7 खेला तो इस डायगोनल में फिलहाल बिशप नहीं होने के कारण आप f5 जा सकते हैं, तो एक ये अच्छा डिसीजन था नाइट fd7। तो उसको रोकने के लिए व्हाइट ने d4 खेला, नाइट पे थ्रेट है अभी, नाइट e6 और आफ्टर नाइट e6 नाइट f1 चला गया व्हाइट, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि सिंपली नाइट g3 का एक आइडिया है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने देखा कि ई कट d4 के बाद सी कट d4 और बिशप f3 को आप क्वीन इनटू f3 नहीं मार सकते हो क्योंकि नाइट इनटू d4 आ रहा है, सो डेफिनेटली f3 पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो बिशप इनटू f3 मारा, अभी आप क्वीन इनटू f3 नहीं मार सकते हो बिकॉज सेम थ्रेट है ई कट d4, सी इनटू d4 एंड देन नाइट इनटू d4। सो और उसके बावजूद क्वीन और बिशप पे थ्रेट्स हैं इधर, सो जी कट f3 मारा और इस पॉन को प्रोटेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि किंग साइड स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी कुछ कंडीशंस में अगर वाइट को और कुछ मूव्स मिल जाते हैं तो वाइट किंग h1, नाइट g3, रुक g1 ऐसा आ सकता है और g फाइल से प्रेशर बना सकता है इसमें। सो उसके लिए उन्होंने bg5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और जैसे ही हम्पी ने bg5 खेला ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है क्योंकि ये जो बिशप है यहाँ पे पैसिव लग रहा है, इसको एक अगर एक्सचेंज कर देते हैं हम तो बाद में f4 स्क्वायर वाइट बहुत अच्छे से ब्लैक बहुत अच्छे से यूज कर सकता है इसमें। बिशप e3 खेला बिकॉज अभी अगर आप इसको मारेंगे तो वाइट शायद पॉन इनटू भी मार सकता है जिसमें f4 कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिशप f4 के बाद बिशप e3 के बाद बिशप f4 खेला और डेफिनेटली बिशप f4 का जो मेन आइडिया है वो क्वीन h4 एंटर करने का है। तो यहाँ पर नाइट g3 खेला g6, f5 और h5 दोनों को रोकने के लिए। d5 खेलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वाइट एक्चुअली फोर्स कर रहा है ब्लैक को कि e6 का जो नाइट है वो आप कहाँ लेके जाते हैं, g7 या g5। सो आफ्टर cd e d ब्लैक ने यहाँ पे हम्पी ने नाइट g5 खेला और नाइट g5 के बाद एक्चुअली यहाँ पे आप थोड़ा रुक के चेक कर सकते हैं कि क्या एक अच्छा कंटिन्यूएशन है वाइट के पास, क्योंकि देखा जाए तो नाइट g5 के अलावा नाइट g7 भी एक ऑप्शन था ब्लैक के पास जिसमें बाद में आप f5 आके और प्रेशर बना सकते हो नाइट f6 आके। लेकिन गेम में नाइट g5 खेला
मुझे लगता है ये एक डुबियस मूव था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे वाइट की तरफ, पर उन्होंने क्वीन जी किंग जी टू खेला। हम लोग क्विकली देखते हैं कि किंग जी टू के अलावा क्या ऑप्शंस थे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर एच फोर मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ किंग जी टू एच फोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि एच फोर को आप नाइट एच थ्री बिल्कुल नहीं जा सकते हो, बिकॉज उसमें भले ही आपको किंग जी टू के बाद एक पॉन मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रुक एच वन के बाद इस नाइट पे प्रॉब्लम्स हैं और अभी डेफिनेटली ये पोजीशन वाइट को फेवर करेंगी। सो एच फोर के बाद आप नाइट एच थ्री नहीं जा सकते हैं, बट जो मैंने चेक किया था ये गेम, तो एफ फाइव इधर एक ओनली ऑप्शन था, क्योंकि एफ फाइव के बाद अगर आप देखें तो एच जी फाइव क्वीन इन टू जी फाइव, और इसमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है वाइट को, लेकिन फिर भी मुझे लगता है विथ सम एक्यूरेट मूव्स वाइट डेफिनेटली इधर अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये एक कंटिन्यूएशन था जो डेफिनेटली होना चाहिए था, जो वाइट के लिए एक्चुअली बेस्ट था, लेकिन किंग जी टू खेला उन्होंने वाइट ने यहाँ पे, और आफ्टर दिस थोड़ा सोच के हम्पी ने एच फाइव खेला था। मैं जब वीडियो देख रहा था तो अभी यहाँ तक भी एक मिनट का जो गैप था वो अभी तक भी रिमेनिंग था ही वैसा ही। सो पोजिशन देखा जाए तो भले ही ब्लैक को ठीक लग रही है, थोड़ी एक्टिव लग रही है, वाइट का किंग थोड़ा सा एक्सपोज लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस गेम में। क्वीन डी टू खेला एच फोर, और यहाँ पर बिशप इन टू एफ फोर मार दिया, जहाँ पे ईकड़ एफ फोर इमिडिएटली मार दिया हम्पी ने, लेकिन वहाँ पर बिशप एफ फोर के बाद एक्चुअली एक अच्छा कंटिन्यूएशन था कि आप एच थ्री जा सकते हो इसमें चेक, और अभी किंग जी वन डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नाइट इन टू एफ थ्री चेक में फोर्क में क्वीन मर रहा है, सो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें कि किंग एफ वन अगर जाते हैं वहाँ पे चेक के बाद, तो भी नाइट इन टू एफ थ्री आ रहा है, जिसमें क्वीन ई थ्री, नाइट इन टू ई वन, और अगर आप इसको मारते हैं रुक इन टू ई वन तो ई कट एफ फोर, और डेफिनेटली यहाँ पे एक्सचेंज अप है, जो कि एक अच्छा पोजीशन हो सकता है। लेकिन गेम में 20th मूव पे उन्होंने बिशप एफ फोर को ई कट एफ फोर डायरेक्टली मार दिया, जहाँ पे नाइट ई फोर आया, एच थ्री चेक, किंग एच वन खेला यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं एफ थ्री मर रहा है, एफ थ्री मारने के बाद क्वीन इन टू एफ फोर मारा, नाइट इन टू ई वन, रुक इन टू ई वन। अब एक्चुअली इस पोजिशन में आप देख सकते हैं कि वाइट जो है वो एक्सटेंड डाउन है, लेकिन ये पोजीशन मैं बोलूंगा कि ऐसा कंप्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते हम कि ब्लैक इज विनिंग, इसमें अभी भी डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें अनक्लियर जो पोजीशन है वो है जब भी आप, और ऊपर से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहां पे, क्योंकि यहां तक आते आते मुझे लगता है हम्पी के पास 2 या 2.5 मिनट ही बचे थे, और उस पूरे टाइम में पूरा गेम फिनिश करना है, मतलब आपको मेट तक लेके जाना है, तो डेफिनेटली एक इजी टास्क नहीं था, क्योंकि अभी भी बोर्ड पे बहुत सारे पीसेस थे। तो हम लोग गेम विंडो की तरफ जाते हैं, और डेफिनेटली इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे पोजीशंस में एक सिंपल मिस्टेक पूरा गेम जो है वो खराब कर सकता है। सो ब्लैक को बहुत ही केयरफुली खेलना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सोच के उन्होंने रुक ई एट खेला, जहाँ पे रुक जी वन आया। डेफिनेटली भी आप देख सकते हैं कि बिशप और रुक मिलके इस पे प्रेशर बना सकते हैं कभी, और नाइट भी बहुत ट्रिकी मूव्स यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम नाइट जी फाइव जाके क्वीन एच फोर जा सकते हैं, जिसमें एच सेवन को प्रॉब्लम आ सकता है कभी। सो यहाँ पे रुक ई फाइव खेला ब्लैक ने, क्योंकि अभी आप एटलीस्ट नाइट जी फाइव क्वीन एच फोर को नाइट अफेड आ रहा है हमेशा, और एच सेवन पे टारगेट नहीं रहेगा। सो सी फोर खेला यहाँ पे, डी फाइव पे भी अटैक था रुक ई फाइव के बाद, तो सी फोर से डी फाइव को सपोर्ट दिया, क्वीन ई सेवन। अब क्वीन ई सेवन का डेफिनेटली ये पोजीशन मुझे ब्लैक के लिए बेटर लग रही थी, क्योंकि अभी धीरे धीरे ब्लैक जो अपने पीसेस को गेम में लाते जा रहा है। सो यहाँ पे रुक जी थ्री खेला, रुक टू ई एट, और ज़्यादा प्रेशर मेंटेन किया ई फोर पे, एफ थ्री उसको सपोर्ट देना फोर्स था यहाँ पे, किंग जी सेवन। ये एक्चुअली मुझे लग रहा था कि पहले ही रुक ई एट के पहले ही किंग जी सेवन और रुक एच एट आ जाना चाहिए था, वो एक सिंपल था, यानी जहाँ पे 27 मुँह पे रुक ई एट खेला था उसकी जगह किंग जी सेवन एक अच्छा मुँह था, जहाँ के जहाँ पे भी आप रुक एच थ्री मार सकते हो, और फिर रुक एच एट के साथ अगर ये रुक एक्सचेंज कर देते हैं तो डेफिनेटली ब्लैक को बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे ये गेम जीतने के। लेकिन रुक ई एट के बाद उन्होंने एफ थ्री खेला था ई फोर को सपोर्ट देने के लिए, किंग जी सेवन खेला, और अभी रुक एच थ्री मारा, जिसमें रुक एच एट और वही सेम पोजिशन हुई, लेकिन रुक ई एट और एफ थ्री एक एक मूव एक्स्ट्रा हो गया था। रुक जी थ्री वापस खेला, डेफिनेटली जब आप मटेरियल डाउन होते हो तो आपको इजीली एक्सचेंजेस नहीं करने चाहिए, पीसेस को गेम में रखना चाहिए। रुक एच फोर खेला, एक अच्छा मुद्दा, क्वीन पे थ्रेट है, और आफ्टर क्वीन डी टू
नाइट सी फाइव खेला यहाँ पे, डेफिनेटली व्हाइट जो है वो कोशिश करेगा कि पीसेस को रखे, और ब्लैक का मेन एम रहेगा कि पीसेस एक्सचेंज होकर सिंप्लीफाई हो पोजिशन और एंडिंग डेफिनेटली विनिंग होना चाहिए। क्वीन कट सी थ्री मारा खेला यहाँ पे, क्वीन सी थ्री खेला यहाँ पे, नाइट कट ई फोर, एफ कट ई फोर, क्वीन एफ सिक्स। डेफिनेटली अभी आप देख सकते हैं कि कोई रियल थ्रेट नहीं है और वाइट की तरफ से, और ब्लैक जो है वो एफ वन पे थ्रेट दे रहा है, चेक दे रहा है। तो यहाँ पर क्वीन ई थ्री खेला वाइट ने, रुक क्वीन ई थ्री से डेफिनेटली ए सेवन पे थ्रेट था तो बी सिक्स खेला, और बहुत सारे पोजिशन में सी फाइव सेक्रीफाइस देकर डी पॉन पुश करने का जो आइडिया है वो भी अभी बंद हो गया बी सिक्स से। तो यहाँ पर रुक जी वन खेला वाइट ने, रुक ई एच फाइव एच टू पे थ्रेट है, रुक जी टू फोर्स्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअली कि मुझे बहुत, जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पॉन ऑन बी टू, या फिर और कुछ आइडिया करने से अच्छा था कि हम्पी ने एक बहुत अच्छा ट्रिक यूज किया कि क्वीन एफ वन चेक दिया, जिसमें आप डेफिनेटली रुक जी वन नहीं आ सकते, रुक एच टू मेट हो रही है। सो क्वीन जी वन चेक को क्वीन क्वीन जी वन चेक को उन्होंने सॉरी क्वीन एफ वन चेक को क्वीन जी वन वापस खेला, और आफ्टर क्वीन एफ थ्री अब ये पोजीशन जो है वो बहुत ही मुश्किल में लग रहा है वाइट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रुक जो है वो पिन हो चुका है। और अगर आप अभी कुछ भी खेलते हैं, जैसे कि आप बी डी वन खेल सकते हैं, बी डी वन ही खेला एक्चुअली उन्होंने गेम में, जिसमें रुक एच टू आ रहा है, और डेफिनेटली रुक एच टू के बाद इस पोजिशन में आप देख सकते हैं कि क्वीन इन टू एच टू फोर्स्ड है, रुक इन टू एच टू, किंग इन टू एच टू और क्वीन डी वन, ये पोजीशन मुझे लगता है अभी क्लियर कट विनिंग है। अगर ये नॉर्मल गेम होता तो डेफिनेटली वाइट यहाँ रिजाइन कर देता, लेकिन क्योंकि एक आर्मागेडन गेम था और इंक्रीमेंट नहीं था इसमें, तो वाइट ने और थोड़ी देर कंटिन्यू किया। फिर मुझे लग रहा था कि ब्लैक इजीली इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर किंग जी थ्री क्वीन ई वन खेला, किंग एफ थ्री, वापस क्वीन एफ वन चेक दिया, रुक एफ टू, क्वीन डी थ्री, और आफ्टर किंग एफ फोर यहाँ पे मैं जब पोजीशन देख रहा था तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन कट सी फोर और ये मूव्स बहुत इजी लग रहे हैं, बट जब मैं वीडियो देख रहा था तो हम भी इधर बहुत टाइम लेके खेल रही थी, और वो डेफिनेटली मेट करने के लिए मेट के जो कॉम्बिनेशन है उनमें सोच रही थी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एफ सिक्स खेला ब्लैक ने, बी थ्री, क्वीन एच थ्री, अब मुझे लग रहा था शायद यहाँ पे नेक्स्ट मूव जी फाइव आके मेट ही हो रही है, लेकिन रुक एफ थ्री एक लास्ट मूव थी, और क्वीन एच सिक्स के बाद यहाँ पे किंग जी थ्री खेला, क्वीन जी फाइव, और आफ्टर किंग एच थ्री क्वीन एच फाइव। एक्चुअली देखा जाए तो ये सभी फॉर्मेलिटी थी, पर टाइम इतना कम था कि दोनों कंटिन्यू कर रहे थे गेम को, अदरवाइज इसमें ज़्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए नहीं है, फिलहाल ये कम्प्लीटली विनिंग होना चाहिए। लेकिन जो एंड हुआ गेम का वो हमको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि किंग जी थ्री के बाद फिर से क्वीन ई फाइव चेक दिया वाइट ने, सॉरी ब्लैक ने, और आफ्टर किंग एफ टू क्वीन इन टू ई फोर मार दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक सिंपली क्वीन है उसके पास और एक एक्स्ट्रा पॉन भी है, तो ये पोजीशन जीतना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गेम बाद में ड्रॉ ले लिया हम्पी ने, क्योंकि ड्रॉ में भी वो जीत रही थी, मतलब एक्चुअली वो चैंपियनशिप जीत रही थी। सो हम लोग क्विकली गेम को फिनिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुक ई थ्री खेला, क्वीन टू एफ फोर चेक, किंग ई टू, क्वीन जी फोर चेक, किंग डी थ्री, क्वीन एफ फाइव, और इस पूरे सीक्वेंस में एक्चुअली टाइम बहुत कम होते आ गया था। लास्ट में मैंने देखा था कि एमपी के पास 36 समथिंग सेकेंड्स थे और ओपोनेंट के पास सिर्फ 14 या 13 सेकेंड्स थे, तो ये पोजीशन बहुत डिफिकल्ट थी जहाँ से वाइट बच जाए, और डेफिनेटली गेम भी लॉस्ट ही है। किंग सी थ्री खेला यहाँ पे, किंग एफ सेवन, बी फोर, और यहाँ पर कोई एक क्लियर प्लान होना चाहिए था। वैसे जी पॉन को अगर हम पुश करने की सोचें तो क्लियर कट ये प्रमोट हो सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो क्वीन एफ फोर खेला यहाँ पे, और आफ्टर रुक एच थ्री क्वीन ई फाइव चेक दिया, किंग बी थ्री, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जीतने के, लेकिन जी फाइव खेला ब्लैक ने, रुक एच सेवन चेक, किंग जी सिक्स, रुक इन टू ए सेवन, जी फोर, और यहाँ पर रुक एट खेला, क्योंकि अभी आप अगर पॉन पुश करते हो डेफिनेटली तो रुक जी एट चेक आ सकता है, लेकिन उसमें भी पॉन प्रोटेक्टेड है, और अभी आप अगर किंग एफ फाइव खेलते हो तो ये वैसे कम्प्लीटली विनिंग है, इसमें कुछ एनालाइज करने के लिए भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर किंग ए फोर के बाद यहाँ पर किंग जी सेवन खेला ब्लैक ने, और आफ्टर रुक ए सेवन चेक यहाँ पे रिपीटेशन ले लिया हम्पी ने एक्चुअली,
क्योंकि किंग जी सिक्स के बाद फिर से रुक एट खेला व्हाइट ने, और किंग जी सेवन को रुक ए सेवन खेला, फिर से किंग जी सिक्स, और आफ्टर रुक एट किंग जी सेवन, रुक ए सेवन, किंग जी सिक्स, और ये रिपीटेशन ले लिया क्योंकि वैसे भी ड्रॉ करके भी वो जीत रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो लास्ट फेज जो जो परपेचुअल लिया था वहाँ पे किंग एफ फाइव किंग एफ फोर ईजी था बहुत, और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी और सिंपली ये जीत ही रहते गेम। लेकिन ठीक है, ड्रॉ में अगर आपको चैम्पियनशिप मिल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस डिसीजन पे भी। और वैसे ही प्लेयर बहुत वहाँ तक आते आते बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं और बहुत बार एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है गेम में। सो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन चेस के हिसाब से भी, क्योंकि जिस हिसाब से इसके पहले रैपिड में आनंद ने दो साल पहले जीता था, और इस साल मेंस में तो रैपिड में डेफिनेटली टॉप थ्री में भी कोई नहीं आ पाया, बहुत दूर थे सभी मेडल में आने के लिए। लेकिन वुमेन्स में अगर इंडिया से कोई प्लेयर जीत जाता है टूर्नामेंट तो ये एक बहुत अच्छी बात है इंडियंस के लिए। और डेफिनेटली ये जो लास्ट गेम हुआ वो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, लेकिन क्योंकि उस गेम का जो फॉर्मेट है आर्मगेडन वो था, इसलिए मैंने उसको एनालाइज किया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड रैपिड के और कुछ जो अच्छे गेम्स हैं उनको हम देखें। स्टार्टिंग में भी एक दो राउंड बहुत अच्छे हुए थे कोनेरू हम्पी के, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं कुछ एनालिसिस का वीडियो बनाऊं। अगर आपको लगता है कि कोई एक अच्छा गेम और हुआ था वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप में, ब्लिट्स आज से स्टार्ट होगा, रैपिड में मैग्नस कार्लसन जीत गए उधर से, एकदम डोमिनेट किया था उन्होंने इस बार के टूर्नामेंट में, क्योंकि लास्ट राउंड तक आते आते उनका ऑलरेडी 1.5 पॉइंट का लीड था जो कि एक्चुअली उनका स्ट्रेंथ है वैसा। लेकिन कुछ और प्लेयर थे जिन्होंने बहुत अच्छा चेस खेला, स्पेशली मैमेडियारो या फिर कुछ अली रजा के भी गेम्स अच्छे हुए, तो हम उनको भी देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।